तो हेलो इंडिया, कैसे हो आप? फिर से मेरे नए एक ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आया हूँ महाराष्ट्र की एक ऐसी जगह पे जहाँ पे संत तुकड़ोजी महाराज की कर्म भूमि है और यहाँ पर ही उनकी समाधि वगैरह बनी हुई है। तो इस ब्लॉग में मैं पूरा कवर करने वाला हूँ कि उनकी समाधि, उनकी कर्म भूमि और भी छोटे छोटे स्पॉट्स हैं जिनको मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये जगह है मोजरी करके एक गाँव है जो कि नागपुर से 121 किलोमीटर पड़ता है और ये नागपुर हाईवे पर ही है। ये नागपुर अमरावती हाईवे पर ही, आप जो पीछे देख रहे हो ये जो जगह है ये संत तुकड़ोजी महाराज जी की समाधि बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे उनकी समाधि यहाँ पे बनी हुई है, मतलब यहाँ पे उनका क्रियाक्रम वगैरह हुआ था। और सामने जो है आपको दिखा देता हूँ मैं, ये जो सामने जो है ये है आप उनका आश्रम बना हुआ है। और आपको मैं दिखाता हूँ ये जगह, ये देखिए यहाँ पे ये पूरा डिटेल में दिया हुआ है, वंदनीय संत श्री तुकड़ोजी महाराज समाधि स्थल। और इनका जन्म हुआ था 30 अप्रैल 1909 शुक्रवार के दिन इनका जन्म हुआ था और इनका महानिर्माण हुआ था 17 अक्टूबर 1938 में। और ये इस तरह से ये बनी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बनी है। मैं आगे भी आपको दिखाता हूँ, इस टाइप से बनी हुई है ये, देखिए। मतलब यहाँ पे ही उनका उनको इन्हें जलाया वगैरह था और जहाँ उन्होंने प्राण छोड़ा था वो जगह पीछे है, बट आपको ये दिखा देता हूँ यहाँ पे ये बना हुआ है। बहुत ही अच्छी जगह है, कभी आपका यहाँ से मतलब गुजरना हुआ नागपुर से अमरावती रोड पे ही है, हाईवे से बिल्कुल लग के है ये जगह, देख सकते हैं आप। ये इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पे रोड पे हाईवे पे ही है। यहाँ पे संत तुकड़ोजी महाराज जो कि एक संत थे, बहुत ही अच्छे संत थे, उनका ये बना हुआ है यहाँ पे, इस तरह से आप देख सकते हो। बहुत ही अलग टाइप की वाइब आ रही है यहाँ से, मतलब आप समझ सकते हो किस टाइप की वाइब आ रही होगी। इस तरह से पूरा परिसर है और अभी हम चलेंगे आश्रम की ओर, तो अभी आश्रम चलते हैं अपन। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये आश्रम है, संत तुकड़ोजी महाराज का आश्रम है, ये देख सकते हो। आप इधर जाओगे तो ये अमरावती है और ये नागपुर अमरावती हाईवे पर ये बना हुआ है। और ये सामने जो दिख रहा है, जो आपको मैंने दिखाया है, वो समाधि प्लेस है। और ये इस तरह से ये परिसर है, आप देख सकते हो ये सामने जो बनाई है आश्रम है। चलो आपको दिखाता हूँ मैं, इस तरह से ये। नमस्कार काका जी, यहाँ पे ऐसी एंट्री वगैरह होती है, पूरा नाम कहाँ से आए कहाँ गए ये पूरा एंट्री होती है। इस तरह से ये बना हुआ है, देख सकते हैं। सामने भी आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे मतलब संत तुकड़ोजी महाराज कहाँ पे मतलब कहाँ वो आश्रम जहाँ आराम करते थे, कहाँ पे वो बैठते थे, उस तरह से ये पूरा ये परिसर है, आप देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हो श्री गुरु ग्राम, ये आश्रम ही है ये। और ये आश्रम बना हुआ है और इधर ध्यान मंदिर है, संत तुकड़ोजी महाराज का ध्यान मंदिर है। चलो आपको दिखाता हूँ, बहुत ही मस्त वाइब आ रही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह ये आश्रम जो बना हुआ है, यहाँ पे ट्रस्ट है, संत तुकड़ोजी महाराज का इन्हें ट्रस्ट बना हुआ है यहाँ पे। और आपको दिखाता हूँ मैं,
वृद्धाश्रम भी है यहाँ पे, ये देखिए कार्यालय इसका वृद्धाश्रम का। और इधर ही ध्यान मंदिर है शायद। ये सामने जो दिख रहा है यहाँ पे ध्यान मंदिर है, जो सामने दिख रहा है ना ये ध्यान मंदिर है, संत टुकड़ू जी महाराज का ध्यान मंदिर है। आप देख सकते हो यहाँ पे वो ध्यान करते थे इस तरह से। ये जो सामने आपको फोटो दिख रही है ये टुकड़ू जी महाराज की फोटो है इस तरह से, और ये इनके ये खड़ाऊ बने हुए यहाँ पे। और ये जो बना हुआ है ये पूरा सामान जो है, ये कोट दिख रहा है आपको, ये संत टुकड़ू जी महाराज का ही कोट है। जो डफली दिख रही है वो भी डफली उनकी है। जो कपड़े वगैरह जो रखे हुए हैं यहाँ से ये देख रहे हो आप, ये पूरा उनके। ये जो सामने लकड़ी है, जो घड़ी है, डायरी, पेन, ग्लास वगैरह जो खड़ा हुआ है, पीना, ये पूरा सामान जो है ये टुकड़ू जी महाराज जी का ही बना हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। ये जो है इससे सूत कपते नहीं चाहिए, चरखा है ना छोटा सा, और इस तरह ये पूरा उनका सामान है। ये उनके महाराज सामान रखने की ये अलमारी बनी हुई थी। इस तरह से यहाँ पे ये बैठते थे आप देख सकते हैं, ये बना हुआ है इनका बैठने का स्थान। और यहाँ से ये नीचे जाएंगे अपन तो यहाँ से ये ध्यान मंदिर है, दिखाता हूँ मैं आपको अंदर। ये थोड़ा ज़मीन के नीचे है, यहाँ पे वो ध्यान करते थे, ये देख सकते हैं आप, पूरा ज़मीन के नीचे बना हुआ है ये। और इस तरह से ये मंदिर बना हुआ है, ये ध्यान मंदिर है, यहाँ पे बैठ के वो ध्यान करते थे टुकड़ू जी महाराज जो थे, वो यहाँ पे ध्यान करते थे। आणि इकडे काय आहे? हो का, यहाँ पे मूर्ती बनी हुई है। इस तरह से ये पूरा जमीन के अंदर बना हुआ है ये। और ये देखिए आप यहाँ पे भी है, यहाँ पे ये छोटा सा मंदिर है, और इधर भी है शायद। ये देखिए आप, ये पूरा ज़मीन के नीचे बना हुआ है और ये ध्यान मंदिर से पूरा अटैच है। ये देखिए यहाँ पे भी ध्यान करते थे, आप ये देख सकते हैं बहुत ही छोटा है ये, यहाँ पे ध्यान किया हुआ है उन्होंने, यहाँ पे बना हुआ है। और इधर भी है कुछ, आपको दिखाता हूँ मैं। बहुत ये इस टाइप का प्लेस बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंह लगे हुए हैं, हिरन के शायद। और ये इस तरह से है यहाँ पे, यहाँ पे भी ये मूर्ति बनी हुई है, गौतम बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है शायद ये। ये देखिए इस तरह से है ये, और इधर भी है। ये कोनाची फोटो है? हाँ, ये टुकड़ू जी महाराज के मम्मी पापा है, उनकी फोटो बनी हुई है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। उनका नाम था, ये इस तरह से पूरा पूरा अंदर बना हुआ है। ये देखिए ये भी टुकड़ू जी महाराज की फोटो है ये। इस तरह से यहाँ पे बना हुआ था ध्यान मंदिर, वहाँ से अभी हम बाहर निकल गए। और ये पूरा पूरा एरिया उनका आश्रम ही है, और उन्होंने बनाया था ये आश्रम। और भी आगे की चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, चलो। कौन था?
हो सामोर। इकड़े काय आहे? ये राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज का निवास स्थान या कुटी बोल सकते हैं आप। इस तरह से कुटी बनी हुई है यहाँ पे, का दिखा देता हूँ मैं। ये इस तरह से इनकी कुटी बनी हुई है यहाँ पे। ये देखिए, आपको पता ही हुआ, ये अपने ग्राम गीता लिखते थे संत तुकड़ोजी महाराज, ग्राम गीता रहती थी उनकी। और ये जो है ग्राम गीता है तुकड़ोजी महाराज की, और इस तरह से ये उनकी कुटी है, देख सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेव नमः। और यहाँ का परिसर बहुत ही मस्त रमणीय लाइक है, बहुत ही मस्त जगह है यहाँ पे, आप यहाँ आके विजिट कर सकते हो। बहुत ही नागपुर अमरावती रोड पर ही बना हुआ ये। तुम्ही इथेच राहता का रुद्राश्रम मध्ये? इस तरह पूरा परिसर है, ये आश्रम बना हुआ है। एक्चुअली ये आश्रम में रुद्राश्रम है, स्कूल भी है ट्रस्ट की, और बहुत सी चीज़ें यहाँ पे बनाई हुई है। और ये वही जगह जहाँ पे तुकड़ोजी महाराज रहते थे, उनका आश्रम था, उनकी ध्यान जहाँ ध्यान करते थे, जहाँ रहे, यानी ऐसा समझ के चलिए कि यहाँ पे ये उनकी पूरी कर्मभूमि थी, पूरी जो बनी हुई है ये पूरी कर्मभूमि है उनकी। और यहीं पे उन्होंने लोगों को जागरूक करना, समाज को जागरूक किया, यहाँ तक कि पूरा देश में भी उनका नाम है और उनकी ये पूरी संस्था यहाँ पे बनी हुई है। उनका जो एक काम मतलब था, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी उन्होंने एक काम किया है, समाज को कैसे डेवलप किया जाए उसके लिए उन्होंने बहुत से, यानी वो कीर्तन करते थे, ग्राम गीता उनकी एक पुस्तक बनी हुई है जहाँ पे उन्होंने पूरा बताया है ग्राम गीता में कि कैसे रहता है क्या रहता है। इस तरह से ये पूरा उनका परिसर बना हुआ है। तो अभी हम चलते हैं। यहाँ पे कुछ वो भी मिलता है उनका सामान वगैरह, तो दिखा देता हूँ मैं। जैसे सामने भी है ग्राम गीता का, बताता हूँ मैं आपको। ये ग्राम गीता प्रतिष्ठान है, यहाँ पे ग्राम गीता आपको मिल जाएगी, आपको दिखाता हूँ मैं। इस तरह से ये ग्राम गीता वगैरह, ये पूर्ण पुस्तक तुकड़ोजी महाराज ने लिखी है। यहाँ पे जो ये जो किताबें दिखी है ये पूरी तुकड़ोजी महाराज ने ही लिखी हुई है। जैसे ये वाली देख सकते हैं आप, ये पूरी किताबें तुकड़ोजी महाराज ने ही लिखी हुई है। चलो, तो यहाँ आके आप वो खरीद भी सकते हैं, मतलब जिसे पढ़ने की यदि ये तो आप यहाँ के खरीद सकते हैं। इस प्रकार ये पूरा यहाँ का था मोजरी करके, ये उनकी कर्मभूमि है। तो इस प्रकार से ये पूरा बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन वगैरह उन्हीं के हाथों के द्वारा हुआ है ये पूरा यहाँ का।